हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फ्रेंड्स, फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी, जिस स्टोरी का नाम है रिवेंज ऑफ द मंकीज, यानी कि बंदरों का इंतकाम। अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद रिवेंज ऑफ द मंकीज, यानी बंदरों का इंतकाम। उस सुबह मैं दावे से नहीं कह सकता कि वास्तव में रात को मैंने कुत्तों को अंधेरे में गुम हो जाने से पहले कॉटेज के पास की पहाड़ी की ढलान पर भौंकते और धमाचौकड़ी मचाते देखा था, या फिर वो सब एक सपना था। उनमें से एक सुनहरे रंग का कॉकर स्पैनियल था, एक रिट्रीवर, एक पेकनीज, एक डैशन, एक काला लेब्राडोर और एक दो ऐसे ही थे जिनकी नस्ल का मुझे पता नहीं लगा था। उनके भौंकने से आधी रात के कुछ देर बाद ही मेरी आँख खुल गई थी। इतना शोर मचा रहे थे वे कि मैंने बिस्तर से उठकर खिड़की के बाहर झांका तो देखा कि 5-6 कुत्ते बड़े जोश में लकड़ी की बाड़ पार करके लंबी लंबी बरसाती घास में से चले जा रहे थे। क्योंकि इतनी सारी नस्लों के कुत्ते थे, इसलिए मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया था। मुझे इस कॉटेज में आए हुए अभी हफ्ता भर ही हुआ था, लेकिन अपने ज़्यादातर पड़ोसियों के साथ मेरी बोलचाल और इशारों से दुआ सलाम होने लगी थी। भारतीय सेना से रिटायर हुए कर्नल फैनशॉ मेरे बिल्कुल बगल में रहा करते थे। उनके पास काकस मैनियल नस्ल का कुत्ता ज़रूर था, मगर वो काला था, जो दो बुज़ुर्ग गैर शादीशुदा एंग्लो इंडियन महिलाएँ देवदारों के पेड़ों के पास रहती थीं, उन्होंने सिर्फ बिल्लियाँ पाल रखी थीं। लेकिन मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि शादी ना करने वाली अधेड़ महिलाएं हमेशा बिल्लियाँ ही क्यों पालती हैं। दूध वाले के पास दो ऐसे कुत्ते थे और जिस पंजाबी उद्योगपति ने गुजरे ज़माने के राजकुमार का महल खरीदा था, वह खुद भले ही वहाँ कभी ना रहा, लेकिन उसने महल की देखरेख का काम जिस चौकीदार के जिम्मे छोड़ा हुआ था, उसने रखवाली करने वाला एक विशालकाय तिब्बती कुत्ता पाल रखा था, यानी तिब्बतन मैस्टिफ। लेकिन रात को मैंने जो कुत्ते देखे थे, उनमें से कोई भी मेरे आसपास रहने वालों के कुत्ते जैसा नहीं लग रहा था। जब शाम को हवाखोरी करने निकले कर्नल फैनशॉ मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा, क्या यहाँ किसी ने रिट्रीवर पाल रखा है? मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनमें से तो किसी के पास नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने अपनी घनी भौंक के साए में आँखें तरेरते हुए मेरी ओर देखा। क्यों, क्या तुम्हें आसपास कोई रिट्रीवर नज़र आया? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, नहीं, बस मैं यूं ही सोच रहा था। इस इलाके में काफ़ी सारे कुत्ते हैं, है ना? हाँ, है तो सही, यहाँ लगभग हर किसी के पास कुत्ता है ही। ये बात और है कि जब जब तेंदुआ एकाध को उठा ले जाता है, जैसे पिछले ही साल जाड़े में मैंने अपना प्यारा टेरियर गंवाया है, वो बहुत प्यारा कुत्ता था पर तेंदुआ उसे ले गया। सुर्ख रंगत वाले कद्दावर कर्नल फैनशॉ को इस बात का इंतज़ार था कि मैं उन्हें कुछ और बताऊं, या फिर वह खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ज़रा सांस लेने की खातिर बातों में दिलचस्पी ले रहे थे। उस रात मैंने कुत्तों को फिर भौंकते हुए सुना। मैं खिड़की पर गया और बाहर देखा कि पूरा चाँद निकला हुआ था और उसकी रोशनी में पेड़ों की पत्तियाँ लहराते हुए चांदी सी चमक जाती थीं। कुत्ते ऊपर पेड़ों की ओर देखकर भौंक रहे थे, लेकिन मुझे पेड़ों में कुछ भी नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि एक अदना सा उल्लू भी नहीं। मैं चिल्लाया और कुत्ते जंगल की तरफ भाग गए। अगले दिन जब कर्नल फैनशॉ मुझे मिले तो उनके हाव भाव कुछ ऐसे थे जैसे वे उम्मीद कर रहे हों कि मैं उन्हें कुछ बताऊंगा। उन्हें कुत्तों के बारे में ज़रूर कुछ पता था, यह तो मुझे साफ था, लेकिन वे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं अपनी बात उनके साथ साझा करूँ। मैंने सोचा कि चलो इन्हें ही खुश कर दिया जाए। मैंने कहा, मैंने आधी रात को 6 कुत्ते देखे, एक कॉकर, एक रिट्रीवर, एक पेंकनीस, एक डैशन, एक काला लेब्राडोर और एक दो मिलीजुली नस्ल के कुत्ते थे। अब कर्नल साहब, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर कुछ जानते हैं, आप बताइए ये कुत्ते किसके हैं? कर्नल साहब खुश हो गए, उनकी आंखों की चमक देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मुझ पर जो कुछ बीते वह उस सब का मज़ा लेने वाले हैं। यह कुत्ते जो तुम देखते हो वह मिसेस फेयरचाइल्ड के हैं, ये बताकर उन्हें जैसे बड़ी तसल्ली हुई। अच्छा, और वह रहती कहाँ हैं? वह कहीं नहीं रहती हैं बाबू, वह 15 साल पहले मर चुकी हैं। तो फिर उनके कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? हा हा, वह हंसे और कहा,
ये सब कुत्ते बंदरों को ढूंढ रहे हैं। और फिर एक टक मेरे चेहरे पर आने वाले भावों को वह देर तक पढ़ते रहे। मैंने कहा, देखिए कर्नल साहब, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कर्नल साहब ने कहा, अच्छा तो इस बात को ऐसे समझो, तुम भूत प्रेतों में विश्वास करते हो? मैंने कहा, मैंने अब तक एक भी नहीं देखा है। कर्नल साहब बोले, तुमने देखे हैं बेटा जी, हर हालत में देखे हैं। मिसेस फेयरचाइल्ड के कुत्ते बरसों पहले मर चुके हैं, और एक काका, एक रिट्रीवर, एक पिंकनीस, एक डैशन, एक काला लैब्राडोर और एक दो मिलीजुली नस्ल के उन्हें उन पेड़ों के साये में उस छोटे से टीले पर दफनाया गया था। लेकिन उनकी मौत के बारे में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। वे सभी बूढ़े हो गए थे, लेकिन अपनी मालकिन के मरने के बाद ज़्यादा नहीं जिए। जब तक वह जिंदा रहे, पड़ोसी उनकी देखभाल करते रहे, और मिसेस फेयरचाइल्ड उस कॉटेज में रहती थी जिसमें अब मैं रहता हूँ। मैंने पूछा, क्या वे कम उम्र की थीं? कर्नल बोले, तब वह 40-45 के बीच रही होंगी। खूब चुस्त दुरुस्त, खिलाड़ियों जैसे शरीर वाली महिला थी वो, जिन्हें घर के बाहर खुले में ही अच्छा लगता था। मर्दों की तो उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की। मुझे लग रहा था कि तुम्हें उनके बारे में कुछ पता होगा। मैंने कहा, नहीं सर, आपको पता ही है कि मुझे अभी यहाँ आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मगर आप बंदरों के बारे में क्या बता रहे थे? कुत्ते बंदरों की क्यों तलाश कर रहे थे? कर्नल साहब बोले, अरे यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। तुमने यहाँ बंदरों का एक झुंड तो देखा ही होगा, जो कभी कभी यहाँ बलूत के पत्ते खाने आ जाते हैं। मैंने कहा, नहीं तो देख लोगे, देर सवेर सही वह तुम्हें दिखाई ज़रूर देंगे। उनका एक पूरा झुंड इन जंगलों में हमेशा घूमता रहता है। यूं तो वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन अगर उन्हें ज़रा भी मौका मिल जाए तो वह बगीचे को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। अब मिसेस फेयरचाइल्ड उनसे बहुत नफरत किया करती थीं। उन्हें अपने डहेलिया के पौधे यानी कि डहेलिया के फूल बड़े प्यारे थे, और कुछ बेहतरीन किस्म के डहेलिया के फूल उनकी बगिया में खिलते थे, लेकिन लंगूर रात को आकर पौधे खोदकर उनकी जड़ें खा जाया करते थे। शायद उन्हें डहेलिया की शकरकंद सी जड़ें स्वादिष्ट लगती होंगी, मगर इससे मिसेस फेयरचाइल्ड का पारा चढ़ जाता था। जो लोग बागवानी में दिलचस्पी रखते हैं, वे अपने पसंदीदा पौधों को नुकसान पहुंचने पर अक्सर आपा खो देते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका आता तो मिसेस फेयरचाइल्ड अपने कुत्तों को बंदरों के पीछे लगा देती थी, चाहे आधी रात का वक्त हो या सुबह तड़के। लेकिन बंदर ठहरे बंदर, वह कुत्तों के आने पर झट से पेड़ों पर चढ़ जाते और कुत्ते भौंकते रह जाते। फिर एक दिन, बल्कि यूं कहूं कि एक रात, मिसेस फेयरचाइल्ड को गुस्से में और कुछ नहीं सूझा, और वे मांगी हुई बंदूक लेकर खिड़की के पास बैठ गईं, और जब बंदर आए तो उन्होंने उनमें से एक को गोली मार दी। कर्नल साहब ठहरे और बलूत के पेड़ों की तरफ नज़र दौड़ाई, जो कि दोपहर की गुनगुनी धूप में झिलमिला रहे थे। फिर बोले, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बंदर को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदू उन्हें पूज्य मानते हैं, बल्कि वे इंसानों जैसे होते हैं ना, इसलिए। चलो अब मुझे चलना चाहिए, हम फिर मिलेंगे। और अपनी कहानी को एक झटके में पूरा करके कर्नल लंबे लंबे डग भरते हुए देवदार के पेड़ों के बीच अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। उस रात मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन अगले ही दिन मुझे बंदर दिखाई दिए, भूत नहीं असली वाले बंदर। कुल 20 के करीब थे, छोटे बड़े सारे मिलाकर। पेड़ों पर बैठकर बलूत के पत्ते चबा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन मैं उन्हें कुछ देर तक यूं ही देखता रहा। शानदार जानवर होते हैं बंदर, चमकीले, मटमैले और लंबी सी पूंछ वाले। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए उन्हें देखना बड़ा अच्छा लगता है, और आपस में एक दूसरे के साथ उनका बर्ताव बड़ा सलीकेदार होता है। मैदानों में पाए जाने वाले लाल बंदरों की तरह दबंग या खुरनाट नहीं। कुछ कम उम्र वाले बंदर पेड़ों से उतरकर पहाड़ी ढलान पर आपस में खेल रहे थे। स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह शरारत कर रहे थे, आपस में कुश्ती तक लड़ रहे थे। उन्हें तंग करने के लिए वहाँ कुत्ते नहीं थे, और बगीचे में लुभाने वाले डहेलिया फूल भी नहीं। लेकिन उस रात मुझे फिर कुत्तों की आवाज़ें सुनाई पड़ी। वह पहले से भी कहीं ज़्यादा तेज़ और भयानक तरह से भौंक रहे थे। इस बार मैं उनके चक्कर में बिस्तर से उठने वाला नहीं था। मैं बुदबुदाया और कंबल को सिर तक खींच लिया, लेकिन भौंकने की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। फिर कुछ मिली जुली आवाज़ें भी आने लगीं, चिचियाने और खोखियाने की आवाज़ें। फिर अचानक एक महिला की तीखी चीख जंगल में गूंज गई, जो बेहद भयानक और डरावनी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैं बिस्तर से बाहर कूदा और खिड़की की ओर लपका। एक महिला ज़मीन पर चित पड़ी थी और तीन चार बड़े बड़े बंदर उसकी छाती पर चढ़े बैठे थे। उसकी बाहों को दांतों से काट रहे थे, उसकी गर्दन को हाथों से नोच रहे थे। कुत्ते भौंक कर चीख कर बंदर को उससे दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पीछे से दूसरे बंदर खींचकर परेशान कर रहे थे। एक बार फिर उस महिला की भयानक चीख निकली, दिल दहला देने वाली चीख। मैं खिड़की छोड़ कमरे से एक छोटी सी कुल्हाड़ी उठाकर सीधे बगीचे की ओर भागा। वहां पहुंचा तो देखा कि वहां कुत्ते, बंदर और वह महिला सबके सब गायब हो चुके थे। और मैं हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े, पजामा पहने पहाड़ी पर खड़ा ठगा ठगा सा महसूस कर रहा था। अगले दिन कर्नल साहब बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिले। अब भी वे कुत्ते दिखाई दे रहे हैं क्या? कर्नल साहब ने चुटके लेते हुए पूछा। मुझे बंदर भी दिखाई दिए, मैंने कहा। अरे हाँ, फिर से इधर की तरफ आ गए हैं बंदर, लेकिन वह कोई भूत वूत नहीं, असली बंदर हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक बात है, लेकिन बीती रात मुझे बंदर और कुत्ते साथ में दिखाई दिए। अच्छा, क्या वाकई में? बड़ी हैरानी की बात है, बड़ा ताज्जुब है, कर्नल साहब ने कहा। अब कर्नल साहब मुझसे आंखें मिलाने से कतरा रहे थे, लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। कर्नल साहब, मैंने सवालिया लहजे में कहा, आपने मुझे ये कभी नहीं बताया कि मिसेस फेयरचाइल्ड की मौत कैसे हुई थी। अच्छा, मैंने नहीं बताया? ओह, ध्यान से उतर गया होगा। देखो, बुढ़ापा आ रहा है ना, अब उतना याद भी नहीं रहता जैसे पहले याद रहता था। लेकिन मिसेस फेयरचाइल्ड बेचारी मुझे बखूबी याद है। बंदरों ने उनकी जान ले ली थी, पता है तुम्हें? बंदरों ने उन्हें नोच नोच कर उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। उनकी आवाज़ धीमी पड़ती गई और अब उनकी नज़रें उस कैटरपिलर पर जमी हुई थी जो धीरे धीरे उनकी छड़ पर ऊपर की ओर चढ़ रहा था। उन्हें उस बंदर को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, कर्नल साहब बोले। और कहा, कभी भी बंदर को नहीं मारना चाहिए, वे इंसानों जैसे होते हैं ना, समझे? तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी रिवेंज ऑफ द मंकीज बाय रस्किन बॉन्ड, बंदरों का इंतकाम, स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की मज़ेदार स्टोरीज के लिए मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।